हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आपको पार्किंग ड्यूटीज़ का जो क्या क्या सावधानी बरतना है एक सिक्योरिटी गार्ड को, तो उसके ऊपर जानकारी दिया था। तो दोस्तों, आप अगर नहीं देखें, उसका जो लिंक है मैंने आई बटन पर डाला है, आप इसमें से देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सेफ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों, आज जो है आज आपको मैं बताऊँगा पार्किंग ड्यूटीज़ के ऊपर ही एक सुरक्षा कर्मी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब उनका क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या मतलब उनको पॉइंट्स मतलब क्या ना उनको फॉलो करना पड़ेगा जब पार्किंग करवाते हैं कोई गाड़ी को। तो इसीलिए आज का जो है ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा खास है, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहेगा कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ लॉस हो जाए। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिए और मतलब पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। पहला जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिक्योरिटी गार्ड का, वो है प्रॉपर पार्किंग। मतलब ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो पार्किंग हो रहा है उसको ठीक सही जगह पर, मतलब कहना सही गाड़ी सही जगह पर मतलब पार्किंग हुआ, ये निश्चित करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट जो है, व्हीकल जो है, ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ट्रैफिक रूल को भी मतलब क्या ना आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स क्या है, क्या क्या उसमें मतलब पॉइंट्स है। तो इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप इसके बारे में विस्तार से बताना पड़ेगा। तो आज का जो पॉइंट्स है मैं उसको मतलब आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना पड़ता है, मतलब जब पार्किंग ड्यूटीज़ में कोई सिक्योरिटी व सुरक्षाकर्मी मतलब ड्यूटी पर होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, ओनली वन व्हीकल एट ए टाइम मतलब क्या है गेट के अंदर आना चाहिए। तो अगर बाहर कोई गाड़ियां वेट करता है तो उसके लिए जो है हम टोकन इशू करते हैं। तो मैक्सिमम जो है वर्कशॉप में ऐसे मतलब क्या ना सिस्टम रखना पड़ता है, ताकि मतलब एक साथ कोई सब सारे गाड़ियां जो है अंदर ना आ जाए, इसीलिए मतलब बाहर ही उसको टोकन देके मतलब इंतज़ार करवाते हैं। जिसका जिस टोकन का नंबर मतलब जिसका नंबर आएगा उसी को इनसाइड करते हैं। तो ये हो गया जो आपका जब गाड़ी का टोकन मतलब नंबर आ जाएगा तो उनको मतलब एक ही सिंगल गाड़ी जो है अंदर प्रवेश करने का मतलब आप निश्चित कीजिए। तो जब प्रवेश करते हैं गाड़ियाँ तब तो आपको जो है प्रॉपर चेकिंग उसको होना चाहिए, ताकि मतलब पूरा जो है उसका अंदर कुछ निषिद्ध सामान जो है नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब सुरक्षा के लिहाज से जो कि हानिकारक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, जब गाड़ी अंदर होता है तो गाड़ी को मतलब गाइडेंस करना, मतलब उसको गाइड करना, मतलब उसको सिग्नल देना, या तो हाथों से या तो मतलब कहना मार्शलिंग लाइट जो है एक वो डंडा मतलब कहना लाइट वाला जो डंडा होता है, तो उससे क्या है आप सिग्नलिंग करेंगे, तो ताकि मतलब उसको प्रॉपर मतलब पार्किंग कर पाए। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट है प्रॉपर चेकिंग मतलब करना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप इंश्योर करना पड़ेगा जो भी पार्किंग एरिया है उसमें मतलब जो है आपका सीसीटीवी जो कैमरा वो ऑन है, मतलब वो अंडर कवरेज है। तो इसके लिए पहले ही मतलब आपको जो है सीसीटीवी ठीक ठाक है कि नहीं, इसको आपको इंश्योर निश्चित करना पड़ेगा, ताकि मतलब कहना कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी मतलब कहना चोरी हो, कोई भी दुर्घटना घटे तो उसमें जो है सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है, तो उसके लिए विटनेस रह जाता है। तो दोस्तों, ये जो ड्यूटी सिक्योरिटी है उसको पार्किंग मतलब पार्किंग अगर ड्यूटी से तो पार्किंग ड्यूटी में रहेगा तो उसको इतना इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि जो सीसीटीवी ऑन है। उसके बाद इतना और भी है जो कि उनको इंश्योर करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी मतलब कहना अनअटेंडेड व्हीकल, अनअटेंडेड मीन्स व्हीकल छोड़ के चला गया हो तो आया नहीं, तो मतलब कोई भी ऐसा है तो उसका तुरंत जो है रिपोर्ट करना है सीनियर को। नेक्स्ट जो है, कोई भी रॉन्ग पार्किंग करता है, मतलब किसी गाड़ी कोई उल्टे जगह पर लगा दिया, मतलब जहाँ पर लगाना था वहाँ पर नहीं लगाया और छोड़ के चला गया, तो इसीलिए जो है रॉन्ग पार्किंग अगर होगा वो भी निश्चित करना पड़ेगा, वो भी इंश्योर करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, ताकि उसको सही जगह पे फिर दोबारा रखें। तो बाकी जो है पार्किंग के जो है पूरा पेट्रोलिंग ड्यूटी करना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड जो भी रहेगा उसको पूरा पेट्रोलिंग ड्यूटी करना पड़ेगा, पूरा घूम के देखना पड़ेगा ताकि यूनिट की सुरक्षा जो है वो बरकरार रहे, और कोई भी मतलब कहना अनवांटेड जो
एक्टिविटीज़ है, कोई मतलब क्या ना सिक्योरिटी जब अंदर जाते हैं तो गाड़ी पार्किंग के टाइम गाड़ी अंदर भी है, ड्राइवर्स भी मतलब कभी कभी क्या ना अंदर मतलब होता है, तो जो ड्राइवर्स है या तो दूसरा कोई भी है उनका जो एक्टिविटीज़ है, अगर आपको डाउट है तो फिर उस साथ साथ ही सीनियर को इन्फॉर्म करना है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, कोई भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ आपको नज़र में आता है पार्किंग के अंदर, तो आपको उसके लिए भी मतलब कहना सीनियर को तुरंत मतलब इन्फॉर्म करना है। तो दोस्तों ये था मतलब एक सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी को पार्किंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, इसके ऊपर मैंने जानकारी दिया। तो दोस्तों ज़रूर इसको आपको फ़ायदा होगा, आप पूरा इसको मतलब जो है आप जानकारी लिया और मतलब कहना आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत मतलब कहना उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो वीडियोज़ है अभी तक का जो मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो फिर मतलब कहना आपको जो पूरा जानकारी सिक्योरिटी का उसके मतलब कहना जानकारी मतलब पूरा नहीं होगा। तो आप मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियोस को देखिए, ताकि आपको फुल मतलब नॉलेज मिल जाए सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे आप नया हो, रिफ्रेशर हो, और चाहे आप मतलब कहना कोई ड्यूटी कर रहा है सिक्योरिटी का, तो उनके लिए भी बहुत मतलब कहना इसके फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आखिर में मतलब फिर मैं दोहराऊँगा, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर ड्यूटी पे हैं तो फिर सावधानी बरतिए, ताकि आप मतलब इस कोरोना वायरस से बच सकें। तो दोस्तों जो सुरक्षाकर्मी अभी ड्यूटी पे हैं उनके लिए भी मैं तो बताऊंगा कि आप सुरक्षित हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब कहना एक आपकी बड़ा देश सेवा है। आगे चलते हैं मतलब क्या है और नया नया मतलब क्या ना आपको सिक्योरिटीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही, चलते चलते फिर मतलब क्या ना मैं आपको जय हिंद बोलूँगा और थैंक यू वेरी मच।